नाउ अगर आपको सिवियर हेयर फॉल इश्यूज हैं तो ऑब्वियसली इट हैज अ लॉट टू डू विद आप क्या खाते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है. सो आई रियली रेकमेंड कि आप प्रोटीन्स ज्यादा लें अपने डाइट में. प्रोटीन्स विल ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है कि जो भी बाल है उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा रहता है, चाहिए रहता, जरूरी होता है. एंड अगर आप ज्यादा प्रोटीन्स खाएंगे सो ऑफकोर्स हेयर फॉल ज्यादा नहीं होगा. अदर देन दैट व्हाट आई रियली रेकमेंड इज कि अपने स्कैल्प को रेगुलरली मसाज करें, बिकॉज आप मसाज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा उसका एंड हेयर फॉल ऑफकोर्स काफी ज्यादा कम हो जाएगा. अदर देन दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोम करें अपने बालों को. आपके बाल अगर बहुत ज्यादा टैंगल रहेंगे या अगर बहुत ज्यादा उलझे रहेंगे सो ऑफकोर्स वो आपस में फ्रिक्शन के कारण झड़ सकते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप रात को सोने से पहले एक बारी कोम करके सोए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन उससे भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इट मसाजेस द हेयर फॉलिकल्स. सो आई थिंक दैट इज व्हाट यू शुड डू. तो आप भी पूछ सकते हैं ब्यूटी एंड फैशन से रिलेटेड कोई भी सवाल बोलो ऐप पर. डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. पाए अपने सारे सवालों के जवाब, वो भी हमारे ब्यूटी एंड फैशन एक्सपर्ट से, और वो भी बिल्कुल फ्री में. तो अभी डाउनलोड करें द बोलो ऐप.